इस समय एक बड़ी खबर आ रही है अयोध्या से, जहां पर 22 जनवरी को जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है उसका चयन का आधिकारिक रूप से ऐलान कर दिया गया है। 11 ट्रस्टियों ने यह चयन किया है। जैसे कि खबर पहले भी आ रही थी कि कर्नाटक के मैसूर के मूर्तिकार है अरुण योगीराज, उनकी मूर्ति का चयन किया गया है। आज इस पर मोहर लगा दी गई है। अरुण योगीराज इससे पहले भी कई मूर्तियां बना चुके हैं। दिल्ली के इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा उन्हीं की बनाई हुई है, साथ ही केदारनाथ धाम में शंकराचार्य की मूर्ति भी उन्होंने ही बनाई है। तो ये बड़ी खबर आ रही है, मैसूर के अरुण योगीराज की मूर्ति का चयन वहां पर किया गया। हालांकि ये खबर पहले ही बता दी गई थी, कर्नाटक बीजेपी के तमाम नेताओं ने, केंद्रीय मंत्रियों ने ट्वीट करके जानकारी दे दी थी कि अरुण योगीराज की मूर्ति का चयन हुआ है। हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए। रवीश, ये जो अरुण योगीराज की मूर्ति को बनाई गई मूर्ति को चयन किया गया है, इसकी क्या खूबियाँ हैं, क्या क्या इसमें खासियत हैं जिसके चलते इसका चयन किया गया है? जी देखिए, ये सवाल का जवाब चंपत राय ने आज बहुत विस्तार से दिया और उन्होंने ये कहा कि बाकायदा 11 ट्रस्टियों ने इस मूर्ति को देखा और उसके बाद में सबसे ज़्यादा उनको ये मूर्ति पसंद आई और फिर ये इस मूर्ति का चयन किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि अरुण योगीराज 40-45 साल के हसमुख एक युवा हैं और इस मूर्ति को बनाने के दौरान उन्होंने कहा कि तकरीबन 20 से 25 दिन उन्होंने अपने परिवार से बात तक नहीं की, यानी वो इतना डेडिकेटेड तौर पर इस मूर्ति को बनाने के काम में लगे रहे। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले भी उन्होंने शानदार मूर्तियां बनाई हैं, तो इसी के वजह से जो है वो इस मूर्ति का चयन किया गया है भगवान श्री राम के। और मूर्ति का वजन उन्होंने बताया कि तकरीबन 150 से लेकर 200 किलो तक की वजन की ये मूर्ति है और 16 तारीख से जो है इस मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा का जो पूजा अर्चना है उसको शुरू कर दिया जाएगा और 16 तारीख से पहले जो है वो गर्भगृह में बड़ी खबर को रखा भी बता रहे हैं वहां पर कि अरुण योगीराज की जो बनाई हुई मूर्ति है उसको ट्रस्ट ने आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी है कि उसे मंजूरी दी गई है।